ये जो इंडस रिवर है ना आपका जो है इसका ध्यान से देखना, अगर तुम आपका जो है ट्रेस करोगे इसको तो तुमको आपका जो है इस वाली साइड से बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त ठीक है इस वाली साइड तिब्बत, यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो बुकारचू ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? बुकारचू ग्लेशियर। देखो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन कैसे? पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है कि जैसे इंडस है और इंडस की आपका जो ट्रिब्यूटरीज है ठीक है, जैसे कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और ब्यास। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पहला क्वेश्चन इनका बनता है कि कौन कौन सी स्टेट से पास होती हैं और वो तुमसे पेपर में पूछता है कौन सी स्टेट से पास नहीं होगी ठीक है। तो तुम्हें पता है कि एक तुम्हारे लिए आपका जो है इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई थी 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग तुम्हारा झेलम और चेनाब का जो पानी है ये हमने पाकिस्तान को अलॉट कर रखा है, और जो सतलुज रावी और ब्यास का पानी है ये हम आपका किसको देते हैं? इंडिया को देते हैं। दो बातें समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है? इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन सुनना, मतलब इस साल का 2021 का आईएससी एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। उसने क्वेश्चन पूछा कि इन ट्रिब्यूटरीज में से, ये जो ट्रिब्यूटरीज जा रही है इसमें से सिंगल अथॉरिटी के तौर पे या सिंगल रिवर ठीक है जो डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है, डायरेक्टली बोला है मैंने, डायरेक्टली समझ रहे हो मेरी बात, डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है, समझ में आई बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो ये है इंडस, समझ रहे हो मेरी बात, ये तिब्बत से यहां से निकलेगी, तिब्बत से निकल के ये लद्दाख को टच करा और सीधे पोर्ट ऑफ कराची के पास यहां पाकिस्तान में गिरती है, समझ रहे हो मेरी बात, पोर्ट ऑफ कराची के पास पाकिस्तान में। तो क्या ये जम्मू कश्मीर को टच कर रही है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं जाएगी जम्मू कश्मीर में, साफ मना कर देना, लद्दाख टच करते हुए सीधे आपका जो है किधर? पोर्ट ऑफ कराची ठीक। अब सुनना, अब जब ये इंडस यहां पे आ गई ना, तो इंडस के बाद यहां से नीचे से शुरू कर रहा हूं, देखना जरा, पहली रिवर आपका जो है कौन सी मिलेगी? पहली रिवर आपको जो है मिलेगी ब्यास ठीक। ब्यास के साथ आपका जो है एक इसको टर्न मर्ज कर देना, ब्यास में आपका जो है यहां पे एक सतलुज ठीक है, सतलुज के साथ यहां से आ रही थी झेलम ठीक है। अब झेलम के बाद कौन सी बची? एक बचेगी चेनाब और एक बची रावी। ये रावी और चेनाब दोनों आपका झेलम के साथ मर्ज होती है ठीक, और झेलम जो है ये सतलुज के साथ मर्ज हो जाती है यहां पे, हर एक के पटे टंडी विलेज बोलते हैं इसको, टांडी TANDI जहां पे मरती है टांडी विलेज, और ये मिलके सिर्फ सतलुज इकलौती सीधी जाती है आपका जो है किससे मर्ज करने? सतलुज जाती है इकलौती सीधी मर्ज करने आपका जो है बेसिकली इंडस के साथ, समझ में आई मेरी बात? तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा था कौन सी इकलौती रिवर है जो सीधे इंडस के साथ जाके मिल रही है, बताओ जरा नाम से, सतलुज ज्यादा रही है। तो देखो अब ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन तरीका पता लग गया कैसे बन रहे हैं। दूसरा अगर वो आपका जो है एक क्वेश्चन पूछता है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में से, तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक में से आपका जो है वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ट्रिब्यूटरी से? राइट बैंक से, क्योंकि इसकी दो ट्रिब्यूटरी है श्योक, एक श्योक ट्रिब्यूटरी है इसकी, और श्योक में आपका जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी है? एक गलवान दे रखी है, गलवान घाटी तुम्हें पता है न्यूज में बनी रहती है, और दूसरी न्यूब्रा, न्यूब्रा वैली भी तुम्हें पता है न्यूज में बनी रहती है। न्यूब्रा वैली में मैंने तुम्हें बताया भी था जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, वो आपका जो बेसिकली लेह से न्यूब्रा की तरफ जा रहे थे खारदुंगा पास, याद आ रहा है? तो आपका जो है एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ठीक है। तो इस चीज को आपको